हाय, मेरा नाम सलोनी सरीन है। मैं पंजाब से हूँ, पठानकोट से। मेरा एज 24 है और मैं कॉमेडी करती हूँ। अच्छा, अभी अभी मैं बस में आ रही थी ना, तो आपको एक लाइव टेलीकास्ट सुना देती हूँ। अभी अभी मैं बस में आ रही थी तो मैंने देखा कि मैं बैठी थी, मेरे साथ एक भाभी जी बैठे थे, उनके साथ एक बूढ़ी आंटी बैठे थे। अब भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी। अब हुआ क्या, अब वो जो भाभी जी थे वो प्रेग्नेंट थे। अब माता जी उनके ऊपर आके गिर गई और भाभी जी ने बोला, माता जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ थोड़ा साइड पे होके बैठिए। अब माता जी को तो समझ नहीं आया, कहती ठीक है। अब थोड़ी देर बाद फिर धक्का लगा तो फिर भाभी जी ने बोला, माता जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा साइड पे होके बैठिए। अब तीसरी बार जब धक्का लगा ना, तो फिर माता जी को गुस्सा आ गया। भाभी जी ने फिर बोल दिया, माता जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप थोड़ा साइड पे होके बैठिए। अब माता जी पंजाबी थे, उनको कहाँ समझ आता कि प्रेग्नेंट क्या होता है। उनको लगा कि शायद बस में इतनी भीड़ है, ये इसलिए कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। माता जी को गुस्सा आया, कहती बात सुन, तुझे इतना पता है कि तू कितनी प्रेग्नेंट है, तुझे इतना नहीं पता कि मैं कितनी प्रेग्नेंट हूँ। वो छोटा सा बच्चा देख, वो कितना प्रेग्नेंट है। वो देख जो टिकट काट रहा है, वो भी तो प्रेग्नेंट है ना, वो भी तो टिकट काट ही रहना, बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, ये तो थी बस की बात। मेरे साथ हाइट की बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली। मेरी हाइट इतनी छोटी है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम शूटिंग में कहीं जाते हैं ना, तो हमें होटल में ठहरा देते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए चाय आती है, कुछ लोगों के लिए कॉफ़ी आती है, बड़ी इज्जत से। मुझे बिना कुछ बॉर्नविटा वाला दूध पकड़ा जाता है, कमाल हो। अच्छा, अब आपके जैसा कोई लंबा बंदा किसी के घर जाए तो कितनी खातिरदारी होती है। वो बोलते हैं कि अच्छा काम कैसे बोलेंगे, ये बल्ब उतार दीजिए, ये जाले उतार दीजिए। मेरे जैसा बंदा किसी के घर भी चला जाए ना, जलीली होता है, अरे बेटा ये बेड के नीचे से जूते निकाल दे, ऐसे ऐसे काम बोलते हैं। अच्छा, मेरे घर वाले ना इतना मुझे तंग करते ना हाइट की वजह से, मैं चुपचाप सीरियल लगा के बैठी होती ना, छेड़ने के लिए पोगो चैनल लगा के चले जाते, बताइए। अच्छा, यही थी मेरी हाइट की बात। पंजाबियों की बात करते हैं। पंजाबियों की एक बात तो बड़ी फेमस है कि पंजाबियों को एक ही काम है, खाने का। अब अमृतसर में आप आएंगे ना, वहाँ आप देखेंगे कि दो ही काम है लोगों को, आधा अमृतसर खाना बनाने में लगा हुआ है और आधा अमृतसर उस खाने को खाने में। किसी से भी पकड़ के पूछ लीजिए कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, खाना खाने जा रहा हूँ भाई साहब। कहाँ से आए, खाना खा के आया हूँ भाई साहब। कहाँ जाएंगे, खाना खाने जाऊँगा भाई साहब। अच्छा, इतने खाने के शौकीन होते हैं इनको, फिर पता ही नहीं चलता कि बोलना क्या है। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसको कभी कभी पता ही नहीं चलता खाने के नाम से, उसको पता नहीं क्यों आ जाता। हमारे पड़ोस में एक अंकल, उनकी हलवाई की दुकान है, वो उनकी दुकान पर जाके बोलते हैं, अंकल जी पूरियाँ पारियाँ है ज्ञाने। तो कहते कि क्या, कहती अंकल जी मैं क्या पूरियाँ पारियाँ है ज्ञाने। अंकल जी भी आगे से पंजाबी थे, कहते पुत गल सुन, पूरियाँ तो मुक गई, पारियाँ 12 बजे तो बाद आ जी। अच्छा, ये थी खाने पीने की बात। अच्छा, मुझे खाने पीने की बात से याद आया, कुछ दिन पहले मैं अपने चाचा जी के घर गई। मैं चाचा जी के घर गई, कितनी देर में बैठी हुई, चाचा जी अंदर कहीं बैठे हुए, मैं मेरे को समझ में नहीं आई। मैंने कहा चाचा जी कहाँ हैं आप, कहते मैं टॉयलेट में। मैंने नॉक किया, मैंने कहा चाचा जी बाहर आइए। थोड़ी देर हुई फिर नहीं आए, फिर मैंने नॉक किया, मैंने कहा चाचा जी बाहर आइए। अरे कह रहे मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा अंदर बैठ गए चाचा जी। कह रहे अब इसका तो पता नहीं इसने कितने बजे आना, अब इसके कारण मैंने खाना थोड़ी लेट कर लेना। अच्छा, खाने पीने के इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं वाकई में। अच्छा, लड़कियाँ मैंने देखी इतनी खाने पीने की शौकीन होती है ना, इनको पता ही नहीं चलता है क्या खाना है, कहाँ खाना है, कैसे रिएक्ट करना है। अब अमृतसर में मैं नई नई आई ना, यहाँ मैंने देखा कि बड़ा ट्रेंड है, 5 तरह के पानी मिलते हैं यहाँ पर, और लड़कियों को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाय भैया वो वाला पानी कौन सा, वो दिखाना। अच्छा, एक्सप्रेशन इनके क्या बात है माशाल्लाह। हाय भैया वो वाला पानी तो आपने पिलाया ही नहीं। अच्छा भैया वो कौन सा है, वो भैया भी हार के बोल रहे थे, बहने वो रहने दे, वो मेरे जूठे बर्तन धोने वाला पानी है। अच्छा, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं। अच्छा, लड़कों का मैंने देखा है कि ये ना सिग्नल पे बड़े मज़े लेते हैं। इन लोगों को ना सिग्नल में 2-3 मिनट के लिए जब बत्ती लाल होती है ना, इनके लिए जन्नत हो जाती है, क्या बात है। अच्छा, सिग्नल पे इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर ली, इधर एक्टिवा वाली को देख लिया, इधर मोटरसाइकिल वाली को देख लिया, इधर रिक्शा वाली को देख लिया, इधर कोई और बैठी उसको देख लिया, अपनी वाली को पीछे कोई और ही देख रहा होता है। अब इनको कोई समझाओ, भाई साहब आपकी अकेले की लॉटरी नहीं लगी है, बाकी लोग भी मौजों में हैं। अच्छा, पीछे से कोई फिर समझदार बंदा आके बोलता है, भाई साहब बत्ती हरी हो गई, अब इससे हरी नहीं होने वाली, चलिए आगे। अच्छा, ऐसी हरकतें होती है पंजाब में। कई बार मैंने देखा ये जो लड़के होते हैं ना, इतने शातिर होते हैं, लड़के छोड़िए लड़कियाँ बड़ी शातिर हैं, तो जितनी बार फ़ोन करो ना अपने बॉयफ्रेंड को, हर बारी बोलते जाएंगे, जानू बात करो मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूँ। जितनी बार बॉयफ्रेंड फ़ोन करके इनकी एक ही डालोगे, जानू मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूँ। दुनिया क्या छोड़नी है, एक स्टार प्लस का सीरियल तो ये छोड़ नहीं सकती, दुनिया क्या छोड़ेंगी, क्या खाक छोड़ेंगी। अच्छा, इतनी सभ्याचारक बनती है ना हमारे पंजाब में, बड़ी आदत है लोगों को ना, लड़कियों को वीर जी, हाई वीर जी, हाई वीर जी, भैया भैया कहने की इतनी आदत है ना, बड़ी सभ्याचारक बनती है। ऐसी लड़कियां ना अपनी सुहागरात वाले दिन अपना तलाक करा के बैठ जाती हैं, सिर्फ इसी आदत के कारण। अच्छा,
बात करते हैं बच्चों की। बच्चे इतनी शरारती है ना हमारे पंजाब के। अब आप बाहर जाएंगे ना, बाहर क्या है, बाहर इतना खुला माहौल है, किसी से पूछ रहे ना आपके पापा क्या करते हैं, पहले वाले इंजीनियर हैं, दूसरे वाले डॉक्टर हैं, तीसरे वाले दर्जी हैं, आगे मम्मी की मर्ज़ी है। अच्छा, इतने खुले माहौल के यहाँ वाले इतने बदतमीज हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, कुछ दिन पहले ना लोहड़ी थी, लोहड़ी आपको पता होगा हमारे पंजाब में सेलिब्रेट होती है, वहाँ पे गाना गाते हैं और शगुन मांगते हैं, सुंदर मुंदरिये होए सुंदर मुंदरिये। अब ऐसे एक बच्चा चला गया हमारे पड़ोस में रहता है, किसी के घर गया उसको बोल रहा है सुंदर मुंदरिये होए। बाहर अंकल आए, अंकल कहते बेटा हमने लोहड़ी नहीं देनी, हमारी दादी जी की डेथ हुई है। वो फिर वही बैठा रहा, अंकल जी अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर नॉक कर रहा, सुंदर मुंदरिये होए सुंदर मुंदरिये। अंकल बाहर है, अंकल कहते बेटा तुम्हें समझ नहीं आती कि साड़ी दादी मरी है, ऐसी लोहड़ी नहीं देनी। कहते बात सुनो, दादी मरी है पर्स तो नहीं साथ ले गई ना। ऐसे ऐसे शरारती बच्चे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि अगर पंजाब में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और बाहर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या फ़र्क है। अब बाहर आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या बात है, यहाँ पे बंदे को उठाया, एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल गए, बंदा ठीक, अगले दिन घर वापस, ऐसे होता है। पंजाब में माशाल्लाह अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना तो तौबाई करा देते हैं उसकी। पहले तो आएगी सिविल हॉस्पिटल की गाड़ी, कभी घसीट के इधर को ले जाते, कभी घसीट के उधर को ले जाते, कभी ट्रैफिक, कभी सिग्नल। बंदा हार के पूछ रहा होता है यार आपने मुझे लेके कहाँ जाना है। फिर एक बोलता है, कहता है यार लेके तो तुझे भगवान ने जाना, हमने तो बहाना ही बनना है। ऐसी ऐसी हरकतें। थैंक यू।